चेन्नई दौरे से सीएम धामी आज देहरादून लौट आए हैं और सीएम धामी एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे जॉली ग्रांट हॉस्पिटल और पूर्व सीएम हरीश रावत से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। आपको बता दें, दो दिन पहले हुए कार हादसे में हरीश रावत घायल हो गए थे, जिसके बाद वो इलाज के लिए जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई ने देहरादून के अस्पताल जाकर समन थमाया है। हरीश रावत को स्टिंग केस में ये समन दिया गया है और 7 नवंबर को सीबीआई हेड ऑफिस में आने के लिए समन दिया गया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत ने दिसंबर के महीने की तारीख मांगी है। हरीश रावत ने इस पर सोशल मीडिया पोस्ट किया है और सीबीआई के अस्पताल आकर समन देने पर हैरानी जताई है। हरीश रावत ने कहा है कि जहां लोग हालचाल जानने पहुंचते हैं तो सीबीआई उन्हें समन देने आई है, क्योंकि उनको लगता होगा कि देश को मुझसे खतरा है। हरीश रावत ने सीबीआई के कदम पर हैरानी जताई। कुछ साल पहले हुए स्टिंग के मामले में ये समन हरीश रावत को दिया गया है। स्टिंग मामले में ही सीबीआई ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भी समन थमाया है। 7 नवंबर को हरक सिंह रावत को वॉयस सैंपल देना होगा। दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर